क्या महिलाओं का भी प्री मेच्योर इजेक्युलेशन होता है? क्या वो भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं? देखो, पुरुषों में तो ये अधिकांश तौर पर समस्या देखी जाती है कि उनका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, रीजन चाहे कुछ भी हो, फिजिकल, मेडिकल या साइकोलॉजिकल। सेम इसी तरह से कुछ महिलाएं भी ऐसी होती है जिन्हें प्री मेच्योर इजेक्युलेशन की शिकायत होती है, वो टाइम से पहले डिस्चार्ज हो जाती है, संभोग क्रिया का पूरा लुत्फ उठा ही नहीं पाती। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां पुरुष का सामने ही दिख जाता है कि वो अर्ली डिस्चार्ज हो गया, महिलाओं का पता नहीं लगता जब तक वो मुंह से बोले ना, और मुंह से जल्दी से कोई महिला बोलती नहीं है, ये भी सच है। देखिए, ये जो प्री मेच्योर इजैक्युलेशन है ये एक अस्थाई बीमारी है जिसका स्थाई इलाज पॉसिबल है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वाइफ है उसे प्री मेच्योर इजैक्युलेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, ये आपका जानना जरूरी है, क्योंकि नाड़ी और गाड़ी कभी भी सीधा टॉप गियर पर नहीं चलाए जा सकते। तो अगर कोई शारीरिक समस्या है आपकी वाइफ के साथ तो शारीरिक संबंध कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो वजह तलाशिए कि उसे कोई शारीरिक कमजोरी तो नहीं, जो ज्यादातर फीमेल को 30 या 35 साल के बाद होना शुरू हो जाती है, जहां दो बच्चे हुए ने की बॉडी के अंदर कैल्शियम और वाइटामिन की कमी शुरू हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम वीक रहने लग जाता है, जिसके वजह से वो अर्ली डिस्चार्ज उसको होना शुरू हो जाता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि ज्यादा गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन करने से और मिसकैरेजेस होने के वजह से भी शरीर के अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होने लग जाता है। अगर कैल्शियम और वाइटामिन की कमी है बॉडी के अंदर तो बेहतर फूड की व्यवस्था कीजिए, ज्यादा पानी पीने के लिए बोलिए, एक्सरसाइज कराइए और गहरी नींद उनको लेने दीजिए। और अगर मान लो कि आपकी जो वाइफ है वो शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो ये भी आपका देखना जरूरी है कि कहीं वो मानसिक तौर पर परेशान तो नहीं है, क्योंकि वे कहावत है ना कि कहो उसी से जो कहे ना किसी से और मांगो उसी से जो दे खुशी से। तो ये आचरण आपका होना जरूरी है, क्योंकि जब एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई काम सफल नहीं हो सकता तो ये शारीरिक संबंध कैसे सफल हो पाएगा। तो हमेशा तभी सहवास के लिए अपनी पार्टनर को बोले जब वो खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो, अपने मन से करना चाहे। और वो मन से करने के लिए कब तैयार होगी? जब वो मन से खुश होगी। उसका मन अगर बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, तो वो कैसे आपको सपोर्ट करेगी संभोग क्रिया में। अब देखो, कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि अगर वो जल्दी उत्तेजित हो जाती है तो वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाती। ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन होती है जैसे एक पुरुष एक्साइटमेंट के चलते, मतलब अगर वो ओवर एक्साइटमेंट फील करता है तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो सेम चीज महिलाओं के साथ भी होती है। तो यहाँ पे दोनों को ही, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, माइंड कंट्रोल करने की जरूरत है। कई बार देखो, ये जो चीज है ये फायदेमंद भी साबित होती है कि मान लो आपकी जो वाइफ है उसे ना कोई शारीरिक समस्या है ना ही कोई मानसिक तनाव है, लेकिन वो ओवर एक्साइटमेंट के चलते जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये चीज देखो एक पुरुष के लिए फायदेमंद ही रहती है, क्योंकि इस तरह से वो अपनी वाइफ को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है, एक बार नहीं कई बार, और खुद भी वो चरम सुख का आनंद उठा सकता है। और ये भी टेंशन नहीं होती कि यार मैं तो डिस्चार्ज हुई नहीं, तुम पहले डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो पहले ही डिस्चार्ज हो गई है। इसके बाद अब अपनी गाड़ी को अच्छे से रन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चरम सुख का आनंद उठाने के लिए आपके अंदर आवश्यक इच्छा शक्ति होना जरूरी है, खासकर पुरुष के अंदर। महिलाओं के अंदर तो ये इच्छा शक्ति स्वाभाविक रूप से होती ही है, चाहे वो इस बात को बोले मुंह से या ना बोले। अगर कोई पुरुष अपने आप को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम है तो ये चीज पॉसिबल है उसके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इस चरम सुख को बार बार एंजॉय कर सकता है। इसके लिए आपको, इनफैक्ट आप दोनों को ही, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की जरूरत है। तो अपनी क्षमता को बढ़ाएं और सेक्स का भरपूर मजा उठाएं। और अगर किसी कारणवश, चाहे शारीरिक या मानसिक, किसी भी कमजोरी के वजह से अगर आप इस सेक्स का मजा नहीं उठा पा रहे हैं तो अपनी उन कमियों पे काम कीजिए। आखिर में देखो, यही कहूंगी कि प्री मेच्योर इजेक्युलेशन की शिकायत, कि किसी का जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ये समस्या ना सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है बल्कि कुछ महिलाओं में भी पाई जाती है।
लेकिन क्या है कि हमें यही समझ में आता है कि पुरुष ने ठेका उठाया हुआ है औरत को सेटिस्फाइड करने का, तो वो आदमी जो है वो तो कभी अर्ली डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता। अगर किसी पुरुष का जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो हम चुटकियों में फैसला सुना देते हैं कि अगला नामर्द है, कमजोर है, इसके बस की कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सामने ही दिख जाता है, औरत का पता लगता नहीं है जब तक वो मुंह से ना बोले, बस यही फर्क है। अर्ली डिस्चार्ज के पीछे देखो तीन ही कारण होते हैं, फिजिकल, मेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला। इन कमियों के ऊपर काम करो और अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करो।